चलिए आगे देखते हैं। आगे है फरवरी क्रांति, ठीक है। फरवरी क्रांति इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह फरवरी माह में पूर्ण रूप से फरवरी माह में जितने भी क्रांति हुए उस सबको फरवरी क्रांति कहा गया। क्या था रूस में कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है से देश में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जो शरणार्थी थे, शरण लिए थे, उनको बसाना था। आर्थिक समस्याएं थी, खाने पीने की समस्याएं बढ़ते गई, मजदूरों और सैनिकों के बीच टकराव, राजा के बीच टकराव बढ़ते गया, जिसके कारण 22 फरवरी को फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दिया गया मजदूरों के द्वारा। देखते ही देखते लगभग 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी गई मजदूरों के द्वारा। बाद में यही मजदूर जो हैं से सिपाही से मिलके और मजदूर दोनों मिलकर, सिपाही और मजदूर मिलकर सोवियत संघ का गठन करते हैं, ठीक है। गठन करते हैं, एक सदस्य बनाते हैं और उस गठन का नाम होता है सोवियत गठन, ठीक है। बोलता है 50 फरवरी को डायुमा यानी संसद को बर्खास्त कर दिया गया था और अंततः जो है वहां के जब ये गठन हुई सिपाही और मजदूर के बीच, तो कह सकते हैं कि अंत में वहां का राजा जार को जो है सिपाहियों के कहने पर गद्दी छोड़ना पड़ा और 2 मार्च को वहां पे गद्दी छोड़ दिया गया। फरवरी क्रांति जो है, फरवरी क्रांति से रूस में जो है राजशाही का पतन हो गया। अब वहां राजशाही नहीं रहा, राजा का शासन खत्म हुआ, अब वहां जनता का शासन आता है। आगे बोला जाता है फरवरी क्रांति के बाद आता है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या था कि महान बोल्शेविक नेता लेनिन जो है रूस में वापस आए और इनके द्वारा 3 मांग थी जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कितनी मांग? 3 मांग। पहला मांग इनका ये था युद्ध का समाप्ति, यानी कि युद्ध अब खत्म करो, जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को पूर्णतः अब क्या कर देना है, बंद कर देना है। सारी जमीन जो है किसानों को हवाले कर दो। ये जमीन जो है किसानों, जो खेती कर रहे हैं किसान, उनके हवाले कर दिया जाए, दूसरा मांग था इनका। तीसरा मांग इनका था बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। तीसरा मांग इनका था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये 3 मांग था इनके लिए और ये तीनों मांग जो है इनके द्वारा लेनिन, नेता लेनिन के द्वारा मांगा गया था और ये अप्रैल में हुआ था, इसीलिए इसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देगा कि अप्रैल थीसिस क्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि महान बोल्शेविक नेता लेनिन द्वारा 3 मांग थी। पहला मांग थी युद्ध की समाप्ति, दूसरा मांग थी सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसे हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है? 24 अक्टूबर 1917 को हुआ था, ठीक है। ये क्रांति सुबह में स्टार्ट हुआ और शाम ढलते ढलते जो है ये पेट्रोगार्द शहर जो है, ये देख रहे हैं ना पेट्रोगार्द शहर, इस पे बोल्शेविकों का पूर्ण तरह से नियंत्रण हो जाता है। सुबह में क्रांति स्टार्ट होती है, शाम होते होती है पूर्ण रूप से इस शहर पे बोल्शेविकों का नियंत्रण हो जाता है और इस तरह आपका अक्टूबर क्रांति शुरू होती है और खत्म हो जाती है। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या-क्या हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद जो आए बदलाव, क्या हुआ कि निजी संपत्ति का खात्मा हो गया। अब निजी संपत्ति का वहां खात्मा हो चुका था, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। अब जो जमीन थे जो जमींदार के पास, वो अब जमींदार के ना होके वो सामाजिक संपत्ति, वहां पे एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया था कि कोई वहां एक ही दल होगा, जिसके वजह से वहां बाद में गृह युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया। अब जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर जहाँ पे 3-4 समाज में
तीन किस्म के लोग रहते हों, ठीक है, तीन किस्म के लोग रहते हों। जैसे आपको बता दे, गृह युद्ध में बोल्शेविक रेड्स को बोला जाता था, ग्रीन्स सामाजिक क्रांतिकारी थे, और जो जार को मानने वाले थे, जार समर्थक, ठीक है, उसको वाइट्स बोला जाता था। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि समाज में तीन तरह के सामाजिक लोग हैं और तीन तरह के विचारधारा वाला लोग हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ एक दलीय व्यवस्था को लागू करना हो तो लागू हो तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि हमारा शासन व्यवस्था चलना चाहिए, हमारे जो भी हमारे दिशा अनुसार जो है इस देश का शासन व्यवस्था होना चाहिए। इसी प्रकार जो है आपसी मतभेद की वजह से किसी देश में, देश के अंदर हुए आपसी मतभेद में हुए युद्ध को ही गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक घर को हम एग्जाम्पल देकर आपको बतलाते हैं, घर में चार परिवार हैं, चार भाई हैं, ठीक है, ये आपस में अगर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो ये घर का मामला हुआ तो ये गृह युद्ध कहलाया। लेकिन ये चार भाई अगर बाहर में किसी से लड़ते हैं तो गृह युद्ध नहीं, बाहरी मामला हुआ और ये एक तरह का गृह युद्ध नहीं हुआ। तो वहां भी जो है सितंबर क्रांति के बाद जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में जो है ना गृह युद्ध जो है अंत में आपको जार के समर्थक को और सामाजिक क्रांतिकारी यानी ग्रीन्स को जो है से बाद में काफी दूसरे देशों से समर्थक मिला, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अक्टूबर क्रांति शुरू हुई और खत्म हुई और उसका प्रभाव रहा। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे वो रूसी क्रांति पढ़ रहे थे कि रूस में आखिर क्रांति का क्या प्रभाव रहा, यही पढ़ रहे थे ना। तो इस पूर्ण रूप से पूरा अध्याय में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कि किस प्रकार किसी देश में सामाजिक परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी आता है। तो हमने यही सीखा कि समाज में जब क्रांतिकारी आता है तो कहीं ना कहीं समाज के विरोध के खिलाफ यानी कि समाज में असंतुलन की वजह से ये क्रांति फैलते हैं। असंतुलन कैसे फैलता है? अगर समाज में सभी वर्गों के लोगों को बराबर की भागीदारी ना रहे तो समाज में जो है सो क्या फैल जाता है, समाज में असंतुलन फैल जाता है और वहां पे क्रांतिकारी का जन्म होता है। इसीलिए अगर किसी लोकतांत्रिक देश को सही ढंग से चलाना हो तो समाज में समानता जरूरी है, संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को आपको जो है से एक नजर से देखना होगा और सबकी विकास करनी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इस चैप्टर को पूर्णता आज खत्म किए, ठीक है, और ये सारे पार्ट्स को एक में कंबाइन करके मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को अपने भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।